इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि आप अपना स्टेमिना कितना बचा सकते हो, यानी स्टेमिना रखते हुए आपको रनिंग करनी है, तो कैसे होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी टाइम हो रहे हैं 5:30 यानी 5:30 हो रहे दोस्तों, और अभी मैं जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। और डेली मैं निकलता हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, हर किसी को मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, एटलीस्ट 5 किलोमीटर डेली रनिंग करना चाहिए दोस्तों। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताऊं कि रनिंग स्टार्ट करते समय आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या क्या प्रॉब्लम होती है जब भी आप रनिंग स्टार्ट करते हो, या रनिंग के दौरान या रनिंग के बाद भी क्या प्रॉब्लम होती है दोस्तों, उन सभी के बारे में आज आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, चलिए मिलते हैं रनिंग ग्राउंड। मैं मेन हाईवे पे हूँ दोस्तों, और यहाँ से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर है ग्राउंड, जहाँ पे जो बच्चे हैं वो फिजिकल की तैयारी करते हैं। और ये यहाँ पे गुरुद्वारा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग यहाँ गुरुद्वारा में आशीर्वाद लेंगे और अपनी सफलता की कामना करेंगे, उसके बाद निकलते हैं हम लोग। आप देख सकते हो ये मेन हाईवे है दोस्तों, और यहाँ से करीब, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 2 से 2.5 किलोमीटर है मेन ग्राउंड, जहाँ पे बच्चे डेली मॉर्निंग में और इवनिंग में आते हैं और फिजिकल की तैयारी करते हैं। जैसा कि आप लोग पता है कि अभी UPSI का रिजल्ट आया है रिटर्न का, और रिटर्न के एग्ज़ाम के बाद फिजिकल होता है, तो फिजिकल की प्रिपरेशन में लगे होंगे सारे छात्र जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, चलिए मिलते हैं। तो करीब मैं 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा रनिंग कर चुका हूँ, और अभी भी 1 किलोमीटर ज़्यादा है ग्राउंड। दोस्तों जैसा कि आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि रनिंग के पहले क्या क्या कर रहे हैं आपको, ऐसे नहीं कि आप स्टार्ट कर रहे हो रनिंग और डायरेक्ट दौड़ना स्टार्ट कर दो, वो भी एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह, ऐसा नहीं करना है। क्या क्या मेन सावधानियाँ हैं जिसकी वजह से आप कंटिन्यू रनिंग कर पाओ और अपना जो फिजिकल है उसको अच्छे से क्लियर कर पाओ। अभी बहुत सारे एग्जाम्स हैं फिजिकल के, जैसा कि आप लोग पता है कि जो आर्मी होती है, आर्मी बहाली होती है, भर्ती होती है, तो उसमें जो रनिंग है वो 6 मिनट का टाइम मिलता है, लेकिन 6 मिनट नहीं देकर करीब 5:50 या 5:40 का ही समय मिलता है, जो कहीं ना कहीं सही है। आपको रनिंग जो है, आपकी जो रनिंग है वो आपको टाइम से पहले ही कंप्लीट करनी होती है, अगर आप लेट करते हो तो आप डिसक्वालीफाई हो सकते हो। तो आपकी जो रनिंग है वो तगड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 6 मिनट का आपको टाइम मिलता है और आप 6 मिनट पूरा ले लेते हो। तो आपको जो ग्राउंड है यानी भर्ती जो होती है आर्मी की, उससे आपको टोटल 6 मिनट का टाइम नहीं मिलता, नहीं मिलेगा, मैक्सिमम हार्डली आपको 5:50 तक मिल सकता है, 5:50 का टाइमिंग आपको मिलेगा। तो उसके पहले ही आपको जो है तैयारी जो ग्राउंड पे है वो करनी पड़ेगी, यानी 5:40 की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये सब जो है वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये ग्राउंड पे मैं जाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कैसे क्या तैयारी होती है। अभी मैं आप लोगों को दिखा दूं दोस्तों, एक सेकंड बैक कैमरा ऑन करता हूं। CRPF का कैंप है दोस्तों, जैसा कि पता है आप लोगों को, ये अर्धसैनिक बल होती है, और इसकी जो बहाली होती है दोस्तों वो SSC के थ्रू GD की होती है, CAPF जिसे कहते हैं, और SEC की है थ्रू CPO का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपके 2 स्टार लगते हैं, यानी सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है। और भी आगे जो चीज़ें हैं वो मैं बताऊँ आप लोगों को, फिलहाल आज जो है वो फिजिकल से रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। तो अभी मैं लगभग पहुँचने वाला हूँ ग्राउंड, फिर वहाँ पर हम लोग बातें करें। तो ये मैं ग्राउंड पहुँच चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो काफ़ी बच्चे जो हैं वो यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी मैं सामने से दिखाऊंगा आप लोगों को। दोस्तों ये एक तरह का नेचुरल ग्राउंड है, ऐसे नहीं कि बहुत अच्छे से बनाया गया है, ये नॉर्मल ग्राउंड था, हम लोगों ने जब रनिंग स्टार्ट की थी तो उस समय इस ग्राउंड पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इस ट्रैक को बनाया था। तो अभी जो है काफ़ी बच्चे यहाँ पे
जो है फिजिकल की तैयारी करते हैं या नॉर्मली रनिंग करते हैं, जैसा कि आप लोग पता है कि रनिंग जो है वो हेल्थ के लिए काफ़ी बढ़िया होता है, चाहे आप पुलिस में जाओ या ना जाओ, लेकिन आप जो है वो रनिंग एक्सरसाइज ये कंटिन्यू करो तो ये सब काफ़ी बढ़िया होता है हेल्थ के लिए, तो आपको ये करनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो किसी ना किसी भर्ती को लेकर ही तैयारी कर रहे होंगे, जैसा कि मुझे लग रहा है, और आप भी देख सकते हो जो भर्ती की तैयारी हो रही होगी, क्योंकि यहाँ जितने भी रनिंग करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं, सारे लोग युवा ही हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी ना किसी भर्ती को लेकर, बहाली को लेकर, चाहे सेना की हो, अर्धसैनिक बलों की हो, या पुलिस की हो, स्टेट पुलिस की हो, तैयारी करते होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, कई लोग जा रहे हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग बहुत के आते हैं, 4 बजे 4:30 बजे तक आ जाते हैं मॉर्निंग में। मैं भी आ जाता, लेकिन उस समय क्या है जो अंधेरा होता है, अब आप लोगों ने देखा मौसम जो है वो काफ़ी अंधेरा होता है, इसलिए उस टाइम वीडियो नहीं बन पाता, इसलिए मैं मॉर्निंग में नहीं आया, थोड़ा लेट से आया ताकि आप लोगों को वीडियो भी दिखा पाऊँ। और आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। आप लोग पता हुआ UPSI की भर्ती अभी रनिंग होने वाली, फिजिकल होने वाली है। दोस्तों जैसा कि आप लोग पता है कि अभी UPSI का रिजल्ट आया है रिटर्न का, और जल्दी फिजिकल भी होने वाला है, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे। दोस्तों जैसे UPSI की जो फिजिकल है, रनिंग की अगर बात करें, तो मेंस के लिए 4.8 किलोमीटर है जो आपको 28 मिनट में कंप्लीट करनी है, और अगर फीमेल की बात करें तो 2.4 किलोमीटर है जो आपको 16 मिनट में, जी हाँ 16 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। तो जो नए हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके पास तो ज़्यादा समय नहीं है, फिर भी आप जितनी जल्दी हो सके फिजिकल के लिए ग्राउंड जाएं, रनिंग स्टार्ट करें। और रनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि आप अपना स्टेमिना कितना बचा सकते हो, यानी स्टेमिना रखते हुए आपको रनिंग करनी है, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए दोस्तों आपका जो डाइट प्लान है, दोस्तों वो अच्छी होनी चाहिए। और डाइट प्लान में क्या है, तो डाइट प्लान में डेली मॉर्निंग में दोस्तों आपको जो है वो भीगा हुआ चना, भीगा हुआ मूंग और सोयाबीन का भी दाना आता है, आप मार्केट में जाओगे बोलोगे तो आपको मिल जाएगा, सोयाबीन का दाना आता है वो सब भीगा के आप मॉर्निंग में ले सकते हो, बादाम ले सकते हो, मूंगफली भी होता है वो भी आप भिगो कर ले सकते हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप मॉर्निंग में लेना। उसके बाद जो रनिंग है दोस्तों, रनिंग जब भी स्टार्ट करें सबसे पहले आप थोड़ा वार्म अप करें, छोटा मोटा एक्सरसाइज करें 5 से 7 मिनट, और एक्सरसाइज करने के बाद ही दोस्तों आप जो है वो अपनी रनिंग स्टार्ट करें, और स्टार्ट जब भी करें स्लोली स्लोली करें दोस्तों, ऐसे नहीं कि आप स्टार्ट करो रनिंग और पूरी तेज गति से एकदम कहते हैं ना रगड़ दो, तो वो नहीं करना है, रगड़ना नहीं है, आपको स्टेमिना बचाना है अंत समय तक, यानी आपकी जो रनिंग है उसे कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि आप 2 राउंड एकदम स्पीड में दौड़ दिए, फास्ट एंड फ्यूरियस बन गए और फिर 3रे राउंड में गिर गए वो भी बेहोश होकर, तो ऐसा नहीं करना है, रनिंग जब भी स्टार्ट करना है स्लोली स्लोली करना है। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे दोस्त आप लोग देख रहे होंगे धीरे धीरे रनिंग करने हैं, और रनिंग करने की जहाँ तक बात है दोस्तों, जैसे SSC GD में 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, तो उसमें तो आपको स्लोली स्लोली स्टार्ट करना ही करना है, बाकी जैसे आर्मी की बहाली होती है, आर्मी की भर्ती होती है, तो आर्मी की भर्ती में दोस्तों कह लें तो 1.5 किलोमीटर की रनिंग होती है, तो उसमें भी जो स्टार्ट है दोस्तों स्लोली स्लो करना है, फर्स्ट राउंड जो है वो आप पहले भीड़ से बचो, क्योंकि एक साथ जो है आर्मी में दोस्तों एक साथ जो है करीब 300-350 बच्चों को रनिंग के लिए दौड़ा दिया जाता है लाइन में लगाकर, तो 300-350 बच्चे अगर दौड़ रहे हैं एक साथ तो आप उसमें जो है वो फिसल कर गिर भी सकते हो, तो उसमें क्या होता है फर्स्ट राउंड तो आपको जो है वो इधर उधर से करके कट मार के निकलना पड़ता है, अपने आप को गिरने से बचाना पड़ता है,
तो वो पहले आपको करना होता है, तो पहले तो वो करें फर्स्ट राउंड। और अगर आप निकल सकते हो तो तेज गति से निकल जाएं ताकि आप बच पाओ। उसके बाद जो है वो आप इस तरह से स्टेमिना बचाओ ताकि चार राउंड होता है, 400 मीटर का एक राउंड होता है, यानी टोटल चार राउंड होते हैं, यानी 1600 मीटर की राउंड होती है आर्मी की। और अभी हम लोग SI की बात कर रहे थे, UPSI की, तो जैसा कि मैं बता दिया हूँ 4.8 किलोमीटर है जो आपको 28 मिनट में क्लियर करना होता है, जो समय पर्याप्त है दोस्तों, क्योंकि आर्मी में जो है आपको 25 मिनट में विथ पिट्ठू, यानी जो बैकपैक होता है आपका, करीब 25 केजी का बैकपैक, 10 केजी का आपके जो गन है यानी आर्म जो है आपका आर्म्स, वो सब लेकर आपको रनिंग करना होता है, वो भी 24 मिनट का टाइमिंग होता है, विथ बूट्स, मोटे मोटे बूट्स होते हैं, तो वो सब पहनकर करना होता है, तो वो लोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो काफ़ी है 28 मिनट। और अगर GD की बात करें दोस्तों, मैं दो पक्षों पे यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक तो SSC GD और एक UPSI की। तो UPSI में तो मैं बता दिया हूँ दोस्तों आप लोगों को, और तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों जो मैं आप लोगों को बता दिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और भी किसी तरह कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का हमेशा जवाब देता हूँ, कमेंट का आंसर करता हूँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। ओके दोस्तों, तो आज की जो वीडियो है या ब्लॉग कह लें दोस्तों, वो यहीं पे समाप्त होती है। कुछ इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आप लोगों को दिया दोस्तों, और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेशन और इस तरह के वीडियो के लिए दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि आगे भी मैं इस तरह की वीडियो लेकर आ पाऊँ, थोड़ा मोटिवेट हो पाऊँ दोस्तों। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कुछ जो बातें दोस्तों वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, जो भी हो दोस्तों, लेकिन अपने हेल्थ के ऊपर आप लोग जरूर ध्यान दें। जैसा कि आप लोग पता है दोस्तों कि हेल्थ इज़ वेल्थ होता है, इसलिए अपनी हेल्थ के ऊपर जरूर ध्यान दें। आप एक्सरसाइज, योगा, रनिंग, जो चाहो, वॉट एवर यू लाइक टू डू दोस्तों, आप जो आपको अच्छा लगे वो ज़रूर करें, डेली करें दोस्तों, जिससे आपकी हेल्थ बनी रहे। और हेल्थ अगर अच्छा हो दोस्तों तो हर चीज़ में आपका मन लगता है, तो इसलिए आप लोग रनिंग वगैरह, एक्सरसाइज जो हो वो ज़रूर करें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।